मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर सवाल भी खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं, मतलब मेरे देश के तमाम लोग के चमड़ी के रंग के आधार पर सैम ने इतनी बड़ी गाली दे दी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया, अब मुझे समझ में आया कि चमड़ी का रंग देखकर कांग्रेस नेता मान लिया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी है और ऐसे में उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि ये आज पहली बार मुझे पता चला है कि कांग्रेस ने भारत की संस्कृति और पहचान के साथ खिलवाड़ किया है, अपमान किया है और हिंदुस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2024 के महारण में देश की जनता इस अपमान का सबक कांग्रेस को सिखाएगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा को कांग्रेस का थिंक टैंक के तौर पर जाना जाता है। सैम हमेशा से कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सैम का हर बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है और यह पहली बार नहीं है जब सैम के बयान पर विवाद हुआ है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधताओं को लेकर बयान दिया। सैम ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। पित्रोदा के बयान देने के कुछ ही देर के बाद कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को किनारा कर लिया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधताओं की परिभाषा को गलत बताया। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि सैम ने कब कब कौन से बयान दिए और उन बयानों पर किस तरीके से हमला हुआ, जरा समझिए स्क्रीन के जरिए। 2024 का लोकसभा चुनाव, 23 अप्रैल को भारत में अमेरिका की तरह विरासत टैक्स की बात, यूएस में व्यक्ति के शख्स के मरने की इस बात, संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है और मरने वाले शख्स के बच्चों को महज 45% हिस्सा देती है। भारत में इस तरह का कानून नहीं, इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा होनी चाहिए। सरकार बनने पर कांग्रेस इस पर कानून बनाएगी, यह पहला बयान था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सिख दंगे का आरोप लगाया। सैम ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल में क्या किया है। उस वक्त सैम पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगियों में से एक थे। कांग्रेस ने सैम के बयान से किनारा कर लिया, सैम ने बयान पर माफी मांगी। ये ऐसे बयान हैं जो लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल 2019 को सैम पित्रोदा के एक और विवादित बयान दिया, मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। और इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी सख्ते में आ गई। सैम के बयान पर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी, मिडिल क्लास पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ नहीं डालेगी। इस तरह के बयान के बाद लगातार वो घिर जाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा की थी और उस दौरान सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर